है ना, उसको क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करके ठीक है क्लिक करना है, फिर उसके बाद राइट क्लिक करना है, क्लिक और राइट क्लिक, उससे क्या होगा टू कर्व का ऑप्शन है ना, तो कर्व कर लेना है और जो जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना वैसे आपको कर्व करना पकड़ को, ये हैंडल है ना यहाँ से पकड़ पकड़ के जैसे जैसे वो है वैसे करिए ठीक है ना। फिर क्या करना आपको पिक टूल पर क्लिक करना है, फिर इस पॉइंट को पकड़ के एक एरो पे साइन आना चाहिए ठीक है ना, उसको राइट ऐसे ट्रैक करना है, राइट क्लिक भी प्रेस करना मतलब उसको डबल करना, तो हो गया ना। फिर क्या करना है पूरा सिलेक्शन करने के बाद आपको अरेंज में जाना है ठीक है ना, सॉरी सॉरी इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद प्लेन का ऑप्शन है ना प्लेन में जाना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना, तो उस टाइप का हो गया ना ठीक है ना। अगर और भी ज़्यादा वैल्यू डालना है तो देखिए हमारे 17 है ना, मान लीजिए हम 20 डाल देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा कम ज़्यादा वो अपना चौड़ाई वगैरह कर लीजिए, जिस टाइप का चाहिए इफेक्ट में ब्लेंड में ना जी, और अप्लाई कर दीजिए ठीक है। फिर क्या करना है फिर से वापस बेजियर यहाँ पे लेना है ये बेजियर को ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है नीचे में से एक लाइन ड्रॉ करना है ठीक है ना, उसी लाइन को आपको डबल करना है, प्लस से डबल होता है ना, डबल कर लेना है और नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेना ठीक है ना। अब इन दोनों को सिलेक्शन करना है, इन दोनों लाइन्स को सिलेक्शन करना है, फिर से आपको इफेक्ट में जाना है, ब्लेंड में जाना है और यहाँ कुछ वैल्यू पुट करना है सब 5 या 6 जितना पुट करना और अप्लाई करना है, उसको पूरा भर जाएगा लाइन्स ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको कि फिर ये रेक्टेंगल है ना इसको लेना है और इस रेक्टेंगल को इसके नीचे ऐसे ड्रॉ कर लेना है, इसके बराबर ड्रॉ कर लेना है ठीक है ना। अब शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस लाइन कैसे डबल करना है, राइट क्लिक भी प्रेस करने ताकि वो डबल हो जाए, डबल कर लिए। फिर क्या करना है कि आपको शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इन दोनों लाइन को सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन कर लेना है, फिर यहाँ से इफेक्ट में जाना है, ब्लेंड में जाना है और यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करना है जैसे 5-6 जितना पुट करना और अप्लाई कर देना, लाइन भर जाएगा ना। फिर क्या करना है कि वो अंदर का जो बना हुआ है ना उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से यही लेंगे पेंसिल यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा ऐसे शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो सीधा आएगा ठीक है ना। अपने अनुसार अच्छे से करिएगा, फिर ये लीजिएगा सेव टूल ठीक है ना, फिर इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फिर कर्व करना, फिर उसको बाद उसको भी ऐसे कर्व कर लेना, उसका हैंडल पकड़ पकड़ के अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है ना। फिर उसको ऐसे ट्रैक करके राइट क्लिक भी प्रेस करना ताकि वो डबल हो जाए ठीक है ना। फिर पूरा सिलेक्शन करने का फिर से उसमें जाना है इफेक्ट में, ब्लेंड में जाना है और यहाँ पे उस वैल्यू पुट करना है, 10 बार जितना पुट करना हो अप्लाई कर लेना, उसको पूरा हो जाएगा ठीक है ना। फिर इसको छोटा कर लेना, अच्छा नहीं बना अपने अनुसार अच्छे से बनाइएगा ठीक है ना, उसको बीच में ले जाकर रख देना जैसे है ना वो ऊपर से।